Wow. ये चम्मच अभी मैं साइड में रख रही हूँ, हम लोग इसको एक्चुअल असली नाशिक के तरीके से डालेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा लोकेशन डिफरेंट लग रहा है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि ये ग्रेपयार्ड है और हम यहाँ आए हैं मिसल खाने। जब भी हम ग्रेपयार्ड के बारे में सुनते हैं तो हम हमेशा उसे वाइन से रिलेट करते हैं, बट किसने सोचा था कि ग्रेपयार्ड में हम कभी मिसल पाव भी खाएंगे। तो इस कंसेप्ट के बारे में जब मैंने सुना था तब मुझे काफ़ी यूनिक लगा था और मैंने सोचा कि इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें ऑलरेडी पता है मैं मिसल की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। हमने आज ज़्यादा ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। जब मैंने एंटर किया तभी मुझे मिसल का बहुत अच्छा अरोमा आ रहा था। तो मैं थोड़ा अभी आपको यहाँ की चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, बड़ों के एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रखी है। तो चलिए क्विक टूर लेते हैं इस ग्रेप एम्बेसी का और फिर मिसल खाते हैं। इसमें यहाँ पे बच्चों के लिए टायर पे झूला बनाया उन्होंने, जैसे बाहर जब भी आप पार्क करते हो फोर व्हीलर तो वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी सारे स्विंग्स रखे हैं जो बड़ों के लिए भी है। यहाँ पर भी बड़े लोग बैठते हैं बट मेरे जितना हाइट रहेगा तो आप इजीली इंजॉय कर पाओगे उसको, बट अगर हाइट लंबा है आपका तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे फ्रेम्स रखे हैं जहाँ पे लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो ये ऐसा यहाँ पे हार्ट शेप का फ्रेम है, फिर यहाँ पे एक ऐसा एक फ्रेम है। तो ऐसे फ्रेम्स है सारे नासिक में। जो भी बड़े बड़े मिसल के आउटलेट्स है वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें खेलने के लिए वहाँ पे रखी है। सेम वैसे ही ग्रेप एम्बेसी में है। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो बच्चे तो शांति से खाने नहीं देते, तो आप उनको खेलने छोड़ सकते हो बिकॉज ये काफ़ी सेफ जगह है। उस हिसाब से आप अपना मिसल बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो और बच्चे अपना अपना खेल सकते हैं। एक्चुअली अभी 2 बज रहे हैं, इतना ह्यूमिडिटी है, इतना गर्मी है बाहर, बट ये पूरा ग्रेप के पौधों से कवर्ड होने की वजह से यहाँ पे मस्त छाँव है, अच्छी हवा आ रही है, तो बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा। नासिक के कॉलेज रोड से आपको लगभग 10 मिनट का समय लगेगा ग्रेप एम्बेसी पहुंचने के लिए और इसका जो टाइमिंग है वो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर को 3:30 तक। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के वजह से वीकेंड्स पर ये बंद है, नहीं तो यूजुअली ये वीकेंड्स पर भी शुरू रहता है। इसके गूगल मैप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। मिसल खाने से पहले हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल परमिशन लिया है ओनर से, वो ये कि हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे मिसल कैसे बनता है। सो चलिए जाते हैं किचन में। तो मैं एंटर कर रही हूँ अभी किचन में। यहाँ पे मुझे रेफ्रिजरेटर्स दिख रहे हैं बड़े बड़े। काय सर्व करता है तुम्हें? नहीं आता, बटर मिल्क। बटर मिल्क, ओके। सो यहाँ पे छाछ यानी कि बटर मिल्क भी मिलता है, तो ये बेसिकली उनका सर्विस प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे थोड़ा सा आगे जलेबी भी सर्व हो रही है। किचन में एंटर करते हैं, मिसल का अरोमा इतना अच्छा आ रहा है और अब मेरे पेट में बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। ये है एक्चुअल मिसल जो अभी सर्व कर रहे हैं वो। उन्होंने शेव डाला हुआ है और रस्सा और जो मटकी है उसके साथ वो सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे आपको सारे तर्री के ग्लासेस दिख रहे होंगे। नासिक में मिसल पापड़ के साथ सर्व होता है, विदाउट पापड़ नासिक में मिसल इनकम्प्लीट माना जाता है। तो यहाँ पे पापड़ है सारे जो ये तलते हैं यहाँ पे और फिर मिसल के साथ उसको सर्व करते हैं। सो ये जो मेरे पीछे का सारा सेक्शन था वहाँ पर सारी सर्विंग होती है और ये जो सारा सेक्शन है यहाँ पे एक्चुअल मिसल बनता है जो अभी उनका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है आज के दिन का, बिकॉज 3:30 बजे तक ही शुरू रहता है तो आज के दिन का उनका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो नहीं देखने मिला, बट ये उनका मेन किचन है। ओह माय गॉड, किचन में जाने के बाद और ज़ोर से ज़्यादा भूख लग रही है। कितना मस्त मिलता है। जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तब भी हमने घर पे ऑर्डर करके खाया था बिकॉज अभी रेस्टोरेंट शुरू नहीं था लास्ट ईयर। तो उसके बाद में अभी घर में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मिसल खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है मुझे। प्लीज़ उनको बोलो जल्दी से मिसल ला दे बिकॉज ला रहे। हाँ
सो मैं अभी क्लोजअप में आपको हमारा प्लेट दिखाऊंगी और बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या क्या है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं मेन मिसल के डिश से। यहाँ पे पतला शेव है, मोटा शेव है और उसके साथ साथ आपको स्प्राउट्स दिख रहा है। इसके ऊपर अब हम डालेंगे रस्सा और तर्री। वाओ, सो इसमें स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसाले का, मतलब जो स्पाइसेस हम लोग बनाते हैं मिसल के लिए, उसका अरोमा है, गार्लिक का बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा है और आई थिंक इसके मसाले में खोबरे के साथ साथ अनियंस भी होना चाहिए। एक चम्मच अभी मैं साइड में रख रही हूँ, हम लोग इसको एक्चुअल असली नाशिक के तरीके से डालेंगे। ये बात, अगर आपका मिसल सूखा हो जाता है तो आप और ऐड कर सकते हो इसमें रस्सा। और अभी बारी आती है तर्री की, ये आपको बहुत संभाल के डालनी है क्योंकि जो तीखा खाते हैं वो खा सकते हैं बट जो नहीं तीखा खाते उनका फिर इश्यू हो सकता है, तो इसको हम लोग संभाल के डालेंगे। तो जो आपको हमेशा लाल कलर दिखता है मिसल का, एकदम ऐसे जिसको बोलते हैं चमचमित मिसल, ये तर्री के वजह से आता है। उसके साथ है ये दही, क्योंकि मिसल तीखा होता है तो आपको एसिडिटी ना हो इसलिए आप किधर भी नाशिक में मिसल का आपको दही मिलेगा ही। उसके साथ है ये प्याज जो हम ऊपर डालेंगे इसके, मुझे थोड़े ज़्यादा प्याज पसंद है तो मैं ज़्यादा डालूँगी। नींबू, वाओ मज़ा आ रहा है, मतलब कांट वेट। ओ माय गॉड, कितना रिच और फिलिंग लग रहा है, आपको दिख रहा होगा। जो मिसल के साथ हमें पाव मिलते हैं वो यहाँ पे उसको तवे पे कुक किया जाता है, जैसे हम पाव भाजी के साथ खाते हैं। मुंबई में वैसे नहीं मिलता, मुंबई में आपको प्लेन पाव मिलता है। फिर उसके साथ साथ है जलेबी, ये पापड़, ये है मीठी लस्सी। आई थिंक मैंने सब कुछ दिखा दिया है आपको, अभी मैं बाइट लेती हूँ। परफेक्टली स्पाइसी, बहुत ही बैलेंस्ड फ्लेवर है। जो हम स्पाइसेस डालते हैं कभी कभी कोई कोई मिसल में वो स्पाइसेस का जो फ्लेवर है वो ओवरपावर कर देता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गार्लिक का फ्लेवर और वो स्पाइसेस का फ्लेवर प्रॉपरली बैलेंस्ड है। तीखा तो आपको जैसे चाहिए आप उस हिसाब से उसको तीखा कर सकते हो, ये मुझे जितना हो सकता है मैंने उस हिसाब से प्रॉपर तीखा बनाया है। अभी जलेबी खा के देखो, ओह माय गॉड, भाजी बहुत क्रिस्पी है, जैसे आप उसको च्यू करना स्टार्ट करोगे तो वैसे ही वो माउथ में ऐसे मेल्ट होते जा रहा है। स्प्रिंकल किया है ड्राई फ्रूट्स, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। पूरा मुंह में मेल्ट हो गया है, जैसे चबा है ना, पूरा जो उसके अंदर का सिरप रहता है ना, वो शुगर का मस्त मेल्ट हुआ है। ये थोड़ा थोड़ा नहीं खाने का, ऐसा बड़ा बड़ा बाइट लेने का इसका। बाप रे, ये है किशमिश जो यहाँ के यार्ड से ही उन्होंने बनाई हुई है, तो अभी ये इसके साथ सर्व करते हैं। ये एक्चुअली ग्रेप एम्बेसी बहुत पुराना नहीं है, 2 या 2.5 महीने ही हुए इसको, तो जब स्टार्ट हुआ था तब वो ग्रेप्स देते थे, अभी ग्रेप्स का सीजन चला गया है इसलिए वो किशमिश देते हैं। अगोदर अपन द्राक्ष द्यायचो बाउल मध्ये जेव्हा अपन मिसळ चालू केली, पण आता द्राक्ष पॉसिबल नाही आहे, सीजन संपला, त्याच्यामुळे आता आपण मनुके देतोय, पण ह्याच बागेतले आहे। ये मे बी टेस्ट करके देखतो, जिंजर बोल रही है, थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आ रहा है, ही बहुत सॉफ्ट है, डिफरेंट है बट सही है। और ऐसे बड़े बड़े और अंदर उनका जो यूजुअली मनुके बहुत ड्राई हो जाते हैं ना, ये ड्राई नहीं है, थोड़ा अंदर है। सो गाइस हमने आपको दिखा दिया, अभी हम लोग आराम से मिसल को सेवर करते हैं, अच्छे से खाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। सो मिसल खाते खाते मुझे 2-3 चीज़ें रियलाइज हुई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक चीज़, उन्होंने मिसल में फ्राइड पीनट्स डाले जो बहुत डिफरेंट टेस्ट कर रहा है और बहुत अच्छा वाला डिफरेंट टेस्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, जो फरसान है जब आप उसको मिक्स करते हो और आप खाते हो तो फरसान का टेस्ट भी आपको प्रॉपरली आता है, ऐसा नहीं है कि फरसान का बिल्कुल टेस्ट ही नहीं आ रहा है, तो ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सो प्रतीक है हमारे साथ और वो ये जगह के ओनर है। सो आपको ये पूछना है कि आपको आइडिया कैसे है कि ग्रेप एम्बेसी जैसा कुछ स्टार्ट करना है। एक्चुअली इन शॉर्ट बताने जाऊँ तो ये एक आइडिया एक फार्मर की तरफ से लोगों के लिए जो ग्रेप
लोगों तक पहुंचा सके। ये कैसा फ्यूजन कर दिया कि अभी जैसे यहाँ पे ग्रेप्स मिलता है बट मिसल उसमें ऐड कर दिया, ये फ्यूजन कहाँ से आ गया? आपको तो पता ही है नासिक मिसल के लिए काफी क्रेजी है। राइट राइट। और दूसरी बात ग्रेप्स। राइट राइट। वाइन नहीं दे सकते लेकिन ग्रेप्स है, मिसल है, मिसल है, तो बस कॉम्बिनेशन, दोनों कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गया। और बहुत अच्छा, मैंने आज देखा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ट्यूजडे होने के बावजूद भी। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है हमें राइट की तरफ से, मतलब काफी प्यार मिला है। ओके सो यहाँ पे मिसल का रेट जो है वो 100 रुपीज है। लस्सी दो टाइप का है, एक हाफ और एक फुल। फुल लेते हो तो 60, हाफ लेते हो तो 40। बटर मिल्क अगर आप लेते हो, किसी को लस्सी नहीं पसंद है मीठा, तो बटर मिल्क का है 20। जलेबी पर प्लेट है 40। और अगर आप चाय के फ़ैन हो तो वो चाय मिलता है 15 रुपीज़ में। हमने लिया था 2 मिसल लस्सी, 1 प्लेट जलेबी, तो वो सबका मिला के हमारा हुआ है 360। और 360 में इतना पेट भर के खाया है कि अभी आई डाउट कि मैं रात को भी कुछ खाने वाली हूँ। नथिंग ब्रिंग्स पीपल टुगेदर लाइक फूड, और ये बहुत ज़्यादा सच है। जो फूडी लोग हैं वो मेरे साथ अग्री करेंगे। वैसे ही बहुत सारे यहाँ पे ग्राफिटीज उन्होंने वॉल पे बनाई है, बहुत अच्छा और ऐसे वाइब्रेंट एम्बियंस लग रहा है। सो गाइस, हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस ग्रेप एम्बेसी का बहुत अच्छा था। इसे अब हम रेटिंग्स देंगे और रेटिंग्स को हम डिवाइड करने वाले 3 मेजर एस्पेक्ट्स में। पहला रहेगा एम्बियंस, दूसरा फूड क्वालिटी, तीसरा जो रहेगा वो सर्विस। तो एम्बियंस को मैं 10 दूंगी क्योंकि बहुत यूनिक कंसेप्ट है, बहुत ही ऑर्गेनिक फीलिंग आता है यहाँ पे आने के बाद, और ओपन एयर है तो बहुत अच्छा और नेचुरल से ढाबा काइंड ऑफ फीलिंग आता है। दूसरा फूड पर हम जाएंगे तो फूड को मैं दूंगी 9.5/10। फूड भी बहुत अच्छा है, हर एक मिसल में स्पेशली हर एक इंग्रेडिएंट का जो टेस्ट है वो आपको उभर के आता है। कोई भी इंग्रेडिएंट किसी दूसरे इंग्रेडिएंट को ओवरपावर नहीं करता, तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तीसरी जो चीज़ है सर्विस, तो इनके सर्विस को भी मैं 10 दूंगी क्योंकि स्टाफ बहुत ज़्यादा पोलाइट है, अच्छे से आके कस्टमर्स के साथ, हर एक कस्टमर के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, तो ये यहाँ पर मुझे देखने मिली, तो इसीलिए मैं 10 दूंगी। तो ग्रेप एम्बेसी का स्टाफ बहुत अच्छा कर रहा है, तो उनके लिए ऑल दी बेस्ट। ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और आपने भी यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए।